हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गाइडली। सो ये आपके सामने एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। देखिए गाइस, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या लिखना ज़रूरी होता है, क्या कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पॉइंट्स नोट करना प्री लेवल में। मेंस में तो ऑफ कोर्स वी हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी थिंग, बट वॉट अबाउट द सर प्री? इन प्री ऑल्सो वी हैव टू नोट डाउन द क्लूज। देखो, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है और डायरेक्ट हमको चीज़ें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट कनेक्ट होती हैं चीज़ें। बट सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे ये वाला क्वेश्चन लिखने वाला है या नहीं है? तो जब हम स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन को रीड करेंगे तो अभी समझ में आएगा, क्विक वे में ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, देयर आर 8 पर्संस, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। सो आफ्टर दिस रीडिंग दिस, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा एक अप हो जाता है। अब ये इजी क्वेश्चन नहीं कहलाएगा क्योंकि देयर आर सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो चौकन्ने हो जाइए आप। उसके बाद बोला इज इट्स अपोजिट टू एच, ही इज सेइंग दैट ई इज अपोजिट टू एच। मतलब क्या है इसका? मतलब ये हो गया ना कि एक से मैं टाइमर हटा दूँ सबसे पहले, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि ई जो है अपोजिट बैठ रहा है, ई सिट्स फेसिंग टू एच नहीं दिया। अगर ऐसे दिया होता तो ई की डायरेक्शन पता चल रही है कि वो फेस अंदर कर रहा है। ठीक है, ई सिट्स अपोजिट टू एच से बस ई और एच अपोजिट है। हु फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, एफ सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक मुझे, एक एलिमेंट कनेक्ट होने के बाद दूसरे एलिमेंट से किसी की भी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 ही लाइन से समझ गया कि भैया लिखना ज़रूरी है। ई सिट्स अपोजिट टू एच, तो जब मुझे पता है ई और एच एक दूसरे के अपोजिट, तो मैं इस तरीके से बना दूंगा, एच हु फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, तो मतलब एच की जो डायरेक्शन होगी वहीं एफ की होगी। सिंपल सी बात है। एफ सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मान लीजिए बी है तो थर्ड टू द लेफ्ट, एफ सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। 1 2 करके ये जो पर्सन है इसके अपोजिट में कहीं ना कहीं कौन है? एफ है, दैट्स इट। उसके बाद बोला है कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। मान लीजिए एफ के सेकंड लेफ्ट में कोई एक ये पर्सन है, ये तो इसके रिस्पेक्ट से ही जो आपका ए है वो थर्ड राइट में है, 1 2 एंड 3, दैट्स इट। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अब आपने नोट किए ना, इसको बहुत खूबसूरती से इसको आप अगर डायग्राम में बनाएंगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। और यहीं से मेरे हिसाब से तो यहीं से स्टार्ट करने वाला भी है, ठीक है ना। तो कितने केसेस बन सकते हैं, कितने केसेस सोच के देखो, कितने केसेस बन सकते हैं वो केसेस प्लॉट करो। बट आगे ये भी बोला है, ठीक है, ए डज नॉट सिट अपोजिट टू बी, ए डज नॉट अपोजिट टू बी। दैट मीन्स कि ए जो है बी के अपोजिट में तो नहीं आ रहा है। देखिए ये बातें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो सी की है, ए की डायरेक्शन वही है जो सी की है, जी की वही डायरेक्शन है जो डी की है, जी की वही डायरेक्शन है जो डी की है, बट डी हु डज नॉट फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। मतलब डी अगर इनसाइड देख रहा है तो ये बात भी पता चल चुकी है कि जी भी इनसाइड ही देखेगा, नो अदर ऑप्शन भी है। Not more than 2 friends who sit exactly to each other are facing the same direction. मतलब अगर 2 लोग अंदर देख रहे हैं तो तीसरा बंदा आपका आउटसाइड देखेगा ही देखेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन देखिए लिखने का मकसद यही कि देखिए क्वेश्चन एक तो छोटा है, ठीक है, तो आप आराम से रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं जल्दी। ई इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर ए और बी। मतलब ई जो है ए का भी नेबर नहीं है और ई जो है बी का भी नेबर नहीं है। टू फ्रेंड्स सिट्स बिटवीन डी एंड जी, कह रहा है 2 फ्रेंड्स हैं 1 2 करके जी। जी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जी। अब आप एक देख सकते हैं, इतनी ही चीज़ें तो लिखनी थी, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा? आपने रीड किया, आपने कुछ सेकेंड में जज कर लिया निकला है, तो मेरे हिसाब से पॉइंट्स निकलने में इतना आपको 1 मिनट लगा होगा। अभी भी आपके पास 2 मिनट हैं। देखिए इस सवाल को 2 मिनट में करना नामुमकिन है, ऑफकोर्स इट विल टेक 3 to 3.5 मिनट, दैट्स इट। ठीक, लेट्स ड्रॉ द टू, इनिशियली वी हैव टू ड्रॉ 2 सर्किल, इनिशियली वी हैव टू ड्रॉ 2 सर्किल, बट इफ वी वॉन्ट टू मेक 2 मोर और 1 मोर वी हैव टू मेक इट, दैट्स इट। ठीक है, सो जस्ट प्लॉट इट इमीडिएटली। नाउ इट इज सेइंग कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं कहीं ना कहीं से ए भी प्लॉट कर पा रहा हूँ
और कहीं ना कहीं मैं बी को भी प्लॉट कर पा रहा हूँ, और उसके बाद मुझे ई और ए एक दूसरे के बगल में नहीं चाहिए और ई के अपोजिट में ही मुझे एच को लिखना है, तो वेरी कनेक्शंस आर देयर, मैनी कनेक्शंस आर देयर. सो लेट्स स्टार्ट. सो इट इज़ सेइंग दैट फ्रॉम बी, इफ बी इज़ फेसिंग इनसाइड एंड फ्रॉम बी इज़ फेसिंग आउटसाइड. सो फ्रॉम बी there's a one person that is third to the left, 1, 2, 3, this person, and from this person f is sitting opposite. It is saying f is sitting opposite, that's it. f 1, 2, 3, the left f is sitting here. Now in this scenario we have to determine the direction of f also, so that we can say that where a can be. So this makes me a very in difficult situation that how to solve this question. कोई बात नहीं, देखो f f अगर facing inside होता, अगर facing inside होता f, तो f से second left में ये वाला person है, और इसके respect से मुझे a को third right में डालना है. अब मुझे ये नहीं मालूम कि इसकी क्या direction है, but मुझे इतना मालूम है अगर 1, 2 करके a यहाँ लिख देंगे तो a और b opposite हो जाएंगे. बट अगर मैं कहूँ 1, 2 करके ए को यहाँ लिखेंगे तो मेरी बात बन जाएगी. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट से ए जो है थर्ड राइट में कब बनेगा, जब ये फेसिंग इनसाइड करेगा. जैसे ही मैंने ये नोटिस किया कि जब ये फेसिंग इनसाइड करेगा तभी थर्ड लेफ्ट में ए आएगा, इसका मतलब ये भाई साहब हो गया कि ये तीनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई. तो मेरे को क्या पता चल गया यहाँ से कि भाई साहब अगर मुझे F के सेकेंड लेफ्ट में ये जो पर्सन है इसके रिस्पेक्ट से मुझे A को बैठाना है, तो मैं अगर इसको आउटसाइड दूंगा तो थर्ड राइट में जो आएगा 1, 2, 3 करके A इधर आएगा, और A और B आमने सामने, दैट मीन्स कि A और B कैन नॉट बी अपोजिट टू इच अदर. और अगर मैंने इनसाइड डायरेक्शन दे दी तो इसके थर्ड राइट में ए तो यहाँ आ जाएगा, बट इन तीनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी. ये हमें ऑब्जर्व करना है, चीज़ें समझना. मैं बहुत डीप में ले जाके समझा रहा हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे जैसे ही मालूम चलेगा कि भैया ये तो इनसाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया है, हमने एफ की डायरेक्शन जो हमने डिसाइड की है वो हमने गड़बड़ कर दी है. तो एफ की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, गारंटीड आउटसाइड हो जाएगी. अब सेकेंड लेफ्ट में पर्सन देखो, एफ से सेकेंड लेफ्ट में पर्सन जो आएगा वो ये रहेगा. अब इसके रिस्पेक्ट से थर्ड राइट में ए को डालना है. अब इसकी डायरेक्शन इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, ठीक है ना. तो अब मैं यहाँ पे दूसरा केस मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बना रहा हूँ. अगर बी ये है, ए ये है और एफ ये, तो इसकी डायरेक्शन इनसाइड और एक बार आउटसाइड, बात बराबर हुई, ठीक. चलिए अब मैं इस वाले के केस की बात करता हूँ. यहाँ पे भी मैं ही दो केस बना लूँ क्योंकि यहाँ पे भी मुझे केस की ज़रूरत पड़ेगी. इसी का कॉपी बना रहा हूँ मैं, एफ बी आउटसाइड. बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एफ की डायरेक्शन पता तो है नहीं अभी, तो मैंने अगर इनसाइड दिया होता, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन एफ की इनसाइड दी होती, तो सेकेंड लेफ्ट में जो पर्सन होता ये पर्सन होता, और इसके रिस्पेक्ट से ए को बैठाना होता, दैट मीन्स कि थर्ड राइट में ए, 1, 2, 3 ए यहाँ आता इस पोजीशन पर, 1, 2, 3 ए नहीं आता. अच्छा ठीक है, मतलब एफ जो है अंदर देख सकता है. अगर मान लो एफ आउटसाइड देखा होता तब क्या करते, सेकेंड लेफ्ट वाला पर्सन ढूंढता मैं, सेकेंड लेफ्ट पर्सन आपका ये रहा, इसके रिस्पेक्ट से ए को 1, 2, 3 ए यहाँ लिखते तो ए और बी आमने सामने होते, नहीं लिख सकते थे, ठीक. फिर 1, 2 करके ए को यहाँ लिखना होता, फिर मैं सोचता एक सेकेंड के लिए यहाँ पे कि क्या डायरेक्शन हो जा रही है, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है भाई मेरे, परंतु इसकी डायरेक्शन तो बताओ क्या हुई, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, जब मुझे
इसके रिस्पेक्ट से ए को थर्ड राइट में बैठाना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू मेक दिस डायरेक्शन आउटसाइड. द सेम सिनारियो दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, द सेम सिनारियो इज कमिंग इन दिस पोजीशन ऑल्सो. यहाँ वाले केस में तीनों लोग अंदर हो जा रहे थे, बट यहाँ वाले केस में तीनों लोग आउटसाइड हो जाए, तो यहाँ से ये भी केस फॉल्स हो गया और पता चल चुका कि एफ़ की डायरेक्शन क्या होगी. पहले मैंने चीज़ डिटरमाइन कर ली कि एफ़ की डायरेक्शन क्या होगी. एफ़ की डायरेक्शन इनसाइड होगी, ठीक है ना. अब ये अंदर भी हो सकता है और ये वाला पर्सन बाहर भी हो सकता है. अब देखिए चुटकियों में किस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ. जो भी चीज़ थी सिर्फ इसी में ही फंसी हुई थी बस. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ई सिट्स अपोजिट टू एच, ई सिट्स अपोजिट टू एच, एंड ई एंड बी आर नॉट, ई एंड ए आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एंड ई एंड बी आर नॉट सिटिंग अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट टू ईच अदर, इस लाइन से. अब भाई साहब एक बार मुझे सिंपल सी बात बताइए, क्या मैं ए को बैठा सकता हूँ? बिल्कुल बैठा सकता हूँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से ए जो है थर्ड राइट में होगा. तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, यार एक बार बताओ, इसके रिस्पेक्ट से अगर मुझे ए को बैठाना है तो वन टू थ्री करके ए तो यहाँ आना चाहिए था. क्या बात कर रहे हो, कैंसिल हो जाएगा ना. वन टू थ्री ए यहाँ आ जाएगा. इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए यहाँ से तो थर्ड राइट में वन टू थ्री ए यहाँ आ जाएगा. इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए वन टू थ्री ए यहाँ आ जाएगा. तो यार एक बात बताओ, ये दोनों केस कॉन्ट्राडिक्टरी हुए कि नहीं हुए? क्योंकि हम ए को ही नहीं बैठा पा रहे. मेरे पास तो अल्टीमेटली मेरे पास दो ही केस बने. मतलब कि ये बात होगी कि इस वाले केस को और इस वाले केस को रिजेक्ट करने के लिए मुझे ये बनाना पड़ा था. बट क्वेश्चन अब दो ही सवालों में, दो ही चीज़ों में सॉल्व हो जाएगा. ई देखिए कहाँ कहाँ नहीं आ सकता. ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ई और ए बगल बगल में नहीं सकते. ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ई के बगल में सामने क्या होना चाहिए था, एच को होना चाहिए था. बात समझ रहे हैं आप? यहाँ भी ई यहाँ नहीं सकता, अल्टीमेटली ई तो यहीं आ सकता है ना, दैट्स इट. इसके अलावा और कोई बात नहीं बन सकती, ई की मेरे पास नहीं बन सकती. फिर मैंने कहा आपसे कि अगर ये तो एच आपके सामने ही आ जाएगा. अच्छा बोला ये था कि एच और एफ़ की सेम डायरेक्शन होगी. ये देखिए यहाँ पे एफ़ आउटसाइड है तो एच भी आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, एच भी आउटसाइड हो जाएगा. अच्छा जी और सी अगल बगल थे, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है जी और सी. तो अगर जी को यहाँ सोचे होते तो दो का गैप, देखिए डी आता दो का गैप, और अगर जी को यहाँ सोचे होते तो एक दो करके डी आता, एक दो करके डी. अल्टीमेटली वी हैव गॉट द पोजिशन फॉर जी, दैट इज़ जी, क्योंकि जी इनसाइड देख रहा है तो डी भी इनसाइड देखेगा. दैट मीन्स वन टू डी, वन टू डी, डी भी इनसाइड देखेगा. चलिए अच्छी बात है. अब ये इनसाइड है, ई इनसाइड है, डी इनसाइड है, तो जाहिर सी बात है इसको आउटसाइड होना पड़ेगा. तो मुझे पता था सी यहीं आएगा, और पता सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी. तो वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, बिकॉज ए एंड सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सी इज ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड, सो दिस विल बी द माई करेक्ट आंसर. ये मेरी बात मन के आ गई सामने. बट वॉट अबाउट इन दिस सिनारियो, इस सिनारियो में क्या बात बन रही है? आइए चलिए देखिए इस सिनारियो में क्या बात बन रही है. भाई मैंने कहा कि इसके रिस्पेक्ट से ठीक है, ई कहाँ कहाँ आ सकता है? ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता. तो भैया आप ई को नहीं बैठा पा रहे हो कहीं. क्यों? क्योंकि ई के अपोजिट में तो एच था, ई के अपोजिट में तो एच था, और ई और ए बगल बगल में नहीं. तो ई और ए मतलब इन पोजीशन पे ई को नहीं लिख सकते. ई यहाँ लिखते हैं तो एच यहाँ नहीं आता, ई यहाँ लिखते तो एच नहीं आता, ई यहाँ लिखते तो एच नहीं आता. दैट मीन्स कि ये भी केस गलत है. तो मतलब जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो ये था कि हाउ टू एलिमिनेट केस नंबर वन, केस नंबर टू एंड केस नंबर थ्री, दैट्स इट. सो होप सो अब आप एक बार इसको अपने तौर तरीके से बनाइए, जो भी मेथड लगाना है लगाइए, और फिर देखिए कि व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे. क्वेश्चन बहुत शानदार था, इस वजह से ही मैंने ये इसको एक सेपरेट वीडियो में बनाया है. आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव टेकन, बट आई नो दैट आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अ वेरी गुड मैनर. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.